दर्शकों नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। 4 जून को दर्शकों नतीजे आते हैं। सब जगह खुशियों का माहौल था तो कहीं पर जबरदस्ती की खुशियां दिखाई जा रही थी। एक तरफ NDA अलायंस था जिसको देश ने फिर से बहुमत दिया, निरंतर एक स्थिर सरकार की तरफ फिर से देश का बहुमत गया, तो वहीं पर इंडिया अलायंस था जो पता नहीं क्यों खुश हो रहा था। इवन कांग्रेस को आप समझिए दर्शकों की 99 सीट मिली, 100 का आंकड़ा भी इंडिया अलायंस पूरा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस में खुशियों का माहौल था। राहुल गांधी एकदम इतराए फिर रहे थे इधर से उधर कि मानो 99 नहीं 299 जीत गए हों। तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के तमाम नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी भी ऐसे कह लीजिए कि मस्त मौला हो गए थे कि फिर से इंडी अलायंस की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस के नेतृत्व में। लेकिन असल कहानी क्या थी? असल कहानी ये थी कि जनता ने NDA को बहुमत दिया और कहा कि आप निरंतर एक स्थिर सरकार फिर से चलाइए जिसका नेतृत्व PM मोदी करेंगे। 3 जून को दर्शकों जब एग्जिट पोल आते हैं, आपको दिन याद होगा, उस दिन शेयर बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एकदम शिखर पर पहुंच जाते हैं, तमाम सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। तो वहीं अगले दिन जब असल परिणाम आते हैं तो शेयर बाजार नीचे जाते हैं, मार्केट उस तरह का बिजनेस नहीं कर पाता जिस तरीके का बिजनेस की उम्मीद होती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पूर्व में भी कई सरकारें रही जिनका परिणाम, जब उन्होंने सरकारें बनाई और जब चुनाव परिणाम आए तो शेयर बाजार इसी तरीके से उथल पुथल का शिकार होता रहा। चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वाजपेयी साहब की सरकार हो, PV नरसिम्हा राव की सरकार हो, IK गुजराल की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, तमाम हमारे पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री और जो पूर्व प्रधानमंत्री अभी हैं, उनके जब सरकारें उनकी बनी है या जब उनके हक में परिणाम आए हैं तो ऐसा होता रहा है। लेकिन विपक्ष तो ठहरा विपक्ष, उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं, डाटा वो देखते नहीं, पीछे तर्कों में विश्वास रखते नहीं, तथ्य उनको देखना नहीं, उनके सलाहकार बस उन्हें जो पढ़ाते हैं, जो लिखाते हैं, उन्हें वो प्रेस वार्ता में आके बोल देते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आ गए, सरकार बन गई, कैबिनेट अनाउंस हो गया, सभी लोग निरंतर काम भी कर रहे हैं। पहला ही फैसला प्रधानमंत्री ने किसानों के हक में किया, लेकिन इन सबके बीच एक चीज है, फिर से अटकलें तेज हो गई है, या यू कह लीजिए कि PM की दूरदर्शिता को लेकर फिर पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई है। PM मोदी ने चुनावों के दौरान एक चुनाव प्रचार में कहा था कि दर्शकों की जनता चिंता ना करे, शेयर बाजार ऐसा उछाल मारेगा कि सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, और ऐसा दर्शकों होता हुआ दिख रहा है। लगभग दर्शकों या ध्यान दीजिएगा जिस आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 42 लाख करोड़ रुपए आम जनता जब से PM मोदी की सरकार बनी है, यानी 5 जून के बाद से कमा चुकी है दर्शकों, 42 लाख करोड़। ऐसी तेजी आज तक शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिली थी। कारण उसके कई हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो निर्भर करता है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार किन तरह की योजनाएं लेकर आने वाली है, जो कि सीधा सीधा बाजार को इफेक्ट करता है, बाजार उससे जुड़ा होता है, बाजार सीधा सीधा उससे प्रभावित होता है। तो सरकार किस तरह की योजनाएं लेकर आने वाली है इस पर भी सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो PM मोदी की जो योजनाएं हैं दर्शकों, वो सीधा सीधा सरकार जो योजनाएं लेकर आती है वो सीधा आपको कह लीजिए बाजार को प्रभावित करती है, बाजार से जुड़ी होती है। PM मोदी की योजनाएं ऐसी नहीं होती है जैसे पूर्व की सरकारों में होती थी कि दलाल पैसा खा जाए ना, PM मोदी की योजनाएं ऐसी होती है कि आम जनता को तो पैसा मिले ही मिले, लाभार्थी वर्ग को पैसा तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में जो लोग बाजारों से जुड़े हैं, जिनका जीवन यापन बाजार से चलता है,
वो भी पैसा कमाए, कि ये मोदी की योजनाओं में बाजार तक का समावेशन होता है। पहले क्या होता था? पहले होता ये था कि भैया योजना आ गई, दो दलाल सेट हो गए, दलालों ने पैसा खाया, थोड़े लोगों को जो लाभार्थी वर्ग है उनको फायदा मिला, बाकी जयराम जी की 2G स्पेक्ट्रम से कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स, किसी से छुपा थोड़ी ना। लेकिन विपक्ष तो ठहरा विपक्ष, कांग्रेस तो ठहरी कांग्रेस। 99 पे ऐसे खुश है, लहालोट है कि मान लीजिए कि सत्ता बस उनके पास है और वो कैबिनेट की शपथ लेने जा रहे थे, सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे। लेकिन भाई यह मुंगेरी लाल कैसी इन सपने बॉस, देखते रहो करते रहो। वो लोग जिन लोगों के सत्ता के समय पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, पॉलिसी बनती थी लेकिन धरातल पर सही तरीके से उतर नहीं पाती थी, वो लोग वर्तमान की राष्ट्रवादी सरकारों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन बाद में जब जांच होती है तो क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। अडानी के मामले में ले लीजिए, कितना हो हल्ला हुआ था, संसद को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन निकला क्या? सांसद महुआ मोइत्रा का क्या राजनीतिक हश्र हुआ, उनकी लोकसभा की सीट कैसे चली गई? किसी से छुपा थोड़ी ना है कि आप किसी से पैसा लेकर संसद और संसद की लोकतांत्रिक व्यवस्था का माखौल बना रहे हैं। तो अंत में क्या होगा? अंत में यही होगा कि भैया आपकी तो सीट जाएगी, और सीट गई, फिर से कुछ ऐसा ही कर दिया। खैर विपक्ष विपक्ष, लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा था वो बताता हूं मैं आपको, कि आप 4 जून के बाद से अब तक सेंसेक्स 5000 अंकों से ज्यादा का उछाल ले चुका है। 19 जून दर्शकों, कल की मैं बात बता रहा हूं आपको, और आज अभी की जो मैं बात बताऊं तो अभी भी सेंसेक्स लगातार उछाल पर है और 17 अंकों की तेजी पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा था रिजल्ट आने के बाद शेयर बाजार रिकॉर्ड बनाएगा, और बीते 9 सत्र में निवेशकों ने 42.4 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 437.24 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यानी जो निवेशकों की संपत्ति थी दर्शकों 42.4 लाख करोड़ से 437 लाख करोड़ के ऊपर निवेशकों की संपत्ति पहुंच चुकी है। राहुल बाबा कथित तौर पे जो बीजेपी कहती थी, ऐसे कैसे राजनीति होगी भ्रम की? सोचना पड़ेगा ना भाई साहब आपको, कि आप जो बोल रहे हैं एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ के तौर पर, वो सही साबित भी होना चाहिए। आप देश के बड़े राजनेता हैं, आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। खैर, और दर्शकों पीएम मोदी की इस भविष्यवाणी से दुनिया की दिग्गज एजेंसियां इत्तेफाक रखती है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अनुमान लगाया कि अगले 12 महीने में भारत का सेंसेक्स जो 10,000, 12,000, 13,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा था, वो 82,000 तक का उछाल मारेगा। 82,000 यानी लाभार्थी वर्ग तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन जो निवेशक हैं, जो बाजार का पे पैसा लगाते हैं, वो भी अब जबरदस्त फायदा कमाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा था रिजल्ट आने के बाद? राहुल गांधी ने कहा था कि 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया आम आदमी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिम्मेदार ठहरा दिया, वो भी तब जब उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी। हालांकि कार्यकारी तो वो अपने पद पर थे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो भी उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि पीएम ने पहले 19 मई और 28 मई कहा कि शेयर बाजार 4 जून को सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। गृह मंत्री ने कहा 4 जून से पहले शेयरों की खरीदारी कर ले, शेयर बाजार नया हाई बनाएगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा, और यही संदेश वित्त मंत्री ने भी दिया। राहुल गांधी ने कहा भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है
और अपने रटे रटाए अंदाज में उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच के आदेश की मांग कर ली कि भैया आदेश दिया जाए, जेपीसी इसकी जांच करेगा। लेकिन अब निकल क्या रहा है भाई, निवेशकों की संपत्ति तो लगातार बढ़ रही है। तो राहुल जी आपके दावे फिर से ध्वस्त हो गए अडानी जी की तरह। अब आप क्या करेंगे, अब आप कौन सा नया भ्रम लेके आएंगे भारतीय राजनीति में, अब आपकी गाड़ी किस नए राजनीतिक भ्रम और दावे और वादों के अनुसार चलेगी, क्योंकि 1 लाख खटाखट तो फेल, अब ये भी लगभग लगभग फेल होता दिख रहा है जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे। अब क्या आप नया लेकर आएंगे इस आगामी जो संसद का सत्र आने वाला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी तो आपको यही सलाह है कि गंभीर बनिए, तथ्यों पर बात कीजिए, जिससे जनता के बीच में आपकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, आपका महत्व बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को अपनाएंगे भी। आज की रिपोर्ट में इतना ही, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए OMH न्यूज के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।